dear friends, my name is Sachin Kohli and I'm back with another video. And let me tell you, this is one of the best videos what we have done till now. And this video is something जो हम लोगों ने पहले एक वीडियो किया था और काफी आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया. लेट मी टेल यू, 104 क्वेश्चंस वर देयर इन दैट वीडियो. 104 क्वेश्चंस थे उस वीडियो के अंदर. और उस जो वीडियो का टाइटल था वो ये था कि ट्रेनर सर्टिफिकेशन क्या एक जरूरी चीज है कि नहीं. दैट इज वन. एंड सेकंड, जब भी आप ट्रेनर सर्टिफिकेशन करते हैं तो ऐसे कौन कौन से संस्थान है, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. सो गाइस, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द कंप्लीट वीडियो एंड व्हाट आई हैव सीन कि 104 प्रश्न थे उसके अंदर. तो मैंने उसका एक फॉलो अप वीडियो बनाने को सोचा. एंड आई एम हैविंग विद मी नीरज टुडे. एंड नीरज इज माई मैनेजर, ओल्ड, वेरी ओल्ड टाइम मैनेजर विद मी. एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ वन ऑफ माई हेल्थ क्लब्स. सो नीरज को मैंने बोला कि नीरज, एक बार ये जो 104 प्रश्न है, ये 104 प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और 104 प्रश्न का जिस्ट निकालिए और हम एक जल्दी से एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम ये 104 प्रश्न का जवाब दे पाए कि आखिर में आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का मतलब वही है. तो करीबन 10 से 12 प्रश्न बनाए गए हैं ये 104 प्रश्न को तोड़ के और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है. स्टे ट्यून्ड, वीडियो लास्ट तक देखिएगा. और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जो वीडियो था कि किस तरीके से ट्रेनर सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रहा हूँ, चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए. बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था. एंड अगेन, यस, आई एम बिट स्लो इन मेकिंग माई वीडियोज बिकॉज काफी बिजी रहता हूँ दोस्तों, और भी बहुत सारे काम हो गए अंदर. लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक एक वीडियो जाके देखिए. बहुत अच्छा कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है, नॉन कॉपीड कंटेंट है. ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं है जिम सेटअप को लेकर, ट्रेनर सर्टिफिकेशन को लेकर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग, फॉर्मेट क्या है इस वीडियो का. नीरज विल पुट द क्वेश्चन टू मी, आई विल सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन फॉर यू एंड देन गिव द आंसर. हैविंग सेड दैट, नीरज मेरे से प्रश्न पूछेंगे, मैं उन प्रश्न को आसान शब्दों में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं वो प्रश्न आपको पूरा से पूरा उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा. 14-12-13 प्रश्न है, कितने प्रश्न नीरज? सर टोटल जो प्रश्न है हमारे 11 प्रश्न है सर. तो 11 प्रश्न है, 11 प्रश्नों के अंदर हमने कोशिश की है कि जो आपने 100 क्वेश्चन पूछे हैं उसका क्रक्स निकाल लीजिए. फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि दिल से बिल्कुल ईमानदारी से उन प्रश्नों का जवाब दे पाऊं. तो नीरज, क्या है पहला प्रश्न? सर हमारा पहला प्रश्न है, ACSM करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है मिनिमम? ओके, मैं व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन नीरज, ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहा है कि ACSM या किसी भी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेशन करने के लिए मेरे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए. मिनिमम, देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है ACSM, K11 या किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेशन करने के लिए वो है 12th. आप ये समझिए कि आपको कोई भी बैचलर डिग्री करनी है, बैचलर इन न्यूट्रिशन करना है या बैचलर इन स्पोर्ट्स करना है या बैचलर इन एनी बैचलर डिग्री, BSc करना है, और उसके लिए जो सबसे पहला आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 12th रहेगी. ग्रेजुएशन का ही प्रश्न मैंने खुद भी पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन. आंसर इज नो. किसी भी प्रकार का बॉडी बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन करने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास. ठीक है सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ACSM करने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? एक प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग आया था इसके अंदर, वो प्रश्न क्या था कि मेरी उम्र 32 साल है, क्या मैं ACSM का कोर्स कर सकता हूँ या मैं K11 कर सकता हूँ या मैं गोल्ड सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ या मैं मेडिफिट सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ. आंसर इज येस. देर इज नो मिनिमम एज, देर इज नो मैक्सिमम एज फॉर पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन. माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो पे इंसिस्ट किया था कि अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं और आप सर्टिफाइड नहीं है तो मेरी नज़र में आप पर्सनल ट्रेनर के आप ट्रेनर ही नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपकी एज 32 साल है, 35 साल है या आपकी एज 18 साल है, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत जल्दी हूँ सर्टिफिकेशन करने के लिए, अगर आप 32 साल 35 साल है, अगर आपको ये लगता है कि मैं सर्टिफिकेशन करने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो दोनों ही परसेप्शंस बिल्कुल गलत है माई डियर फ्रेंड्स. देर इज नो मिनिमम एज, देर इज नो मैक्सिमम एज, चाहे वो बैचलर डिग्री क्यों ना हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन क्यों ना हो, चाहे मैं मेडिफिट की बात करूँ, चाहे मैं एज की बात करूँ, चाहे मैं ACSM की बात करूँ, चाहे मैं K11 की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, देर इज नो मिनिमम एज, देर इज नो maximum age. Yes, the minimum age is 18 year and you need to be 12th pass. Sir, next question है हमारा, क्या मुझे ACSM करने के लिए English में बहुत अच्छा होने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर मैं किसी हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हूँ? देखिए गाइज, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत बार आया मेरे को. हमारी एक खुद की भी अकेडमी है, हम खुद की भी अकेडमी रन करते हैं,
उसमें भी ये प्रश्न मेरे को बार बार आता है कि मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, मेरा इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है, तो क्या ACSM या और भी कोई किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर है, आप सर्टिफिकेशन तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेशन है अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइजेस की या अमेरिकन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, अमेरिकन कोई भी बाहर की अगर हमारी सर्टिफिकेशन है, या हमारी मेडिफिट की सर्टिफिकेशन ही क्यों ना ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेशन, ऑल सर्टिफिकेशन मटेरियल इज इन इंग्लिश, दैट इज वन। और दूसरी चीज क्या है कि उसके जितने भी एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस भी उसके इंग्लिश में है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक मसल का नाम है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बाइसेप्स है, हमारी बाइसेप्स के अंदर दो मसल्स होती है, और उन दो मसल्स का नाम इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। हमारा डेल्ट तीन भाग में बटा हुआ है, हमारा शोल्डर तीन भाग में बटा हुआ है, तो शोल्डर और डेल्ट जो हमारे वो तीन भाग है, जो हमारे वो तीन नाम है, जो हमारे हिप फ्लेक्सर्स है, हमारे जो लेग फ्लेक्सर्स है, वो तो नाम आपको वैसे के वैसे ही याद करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हो सकता है कि आपको नाम याद करने में या उनकी फंक्शनैलिटी याद करने में या एग्जाम देने में थोड़ी सी मुश्किल आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में हैं और आप इंग्लिश के इंग्लिश मीडियम का नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर बिल्कुल कर सकते हैं। करक्स क्या है नीरज, इसका जवाब मैं इसका देना चाहूंगा, एग्जाम सारे इंग्लिश में है, कोर्स मटेरियल सारा का सारा इंग्लिश में। बहुत बढ़िया सर। सर अगला प्रश्न है, ACSM करने के बाद कितनी सैलरी मिल जाती होगी? ये प्रश्न मेरे पास बहुत आता है, ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया, मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो गया हूँ, अब मेरी कितनी सैलरी हो जाएगी? गाइस ध्यान से समझिए, और एक कमेंट तो शायद हमने ये भी पढ़ा था कि सर्टिफिकेशन के बाद मुझे 12,000 रुपए की नौकरी मिली है, बिल्कुल है ना? तो बहुत फनी है ये सब। आई मीन हमने ऐसे सर्टिफाइड ट्रेनर्स देखे हैं जो एस और ACSM करते हैं, या कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट से, मेडिफिट हो गया, K11 हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब से दे डू देयर सर्टिफिकेशंस, हमारी एकेडमी से डू देयर सर्टिफिकेशंस, एंड दे चार्ज 1500 रुपीज पर क्लास। तो सैलरी डिपेंड आपके ऊपर करती है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी। सर्टिफाइड ट्रेनर्स are taking 50,000 salary also, certified trainers are taking 40,000 salary also, but being a personal trainer you need to understand कि आप freelancer हैं। अगर आप freelancer हैं, जो earning है वो आपके हाथ में है, आप basic salary को अपनी earning मत मानिए, आप ये देखिए कि आप personal training से कितना पैसा कमा सकते हैं, आप कितने clients को service दे सकते हैं, आप कितने clients से पैसा बना सकते हैं। तो minimum कोई salary नहीं है, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 आपके caliber के हिसाब से आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद personal training आपको help करती है, सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ट्रेनिंग्स लाने में, और ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ट्रेनिंग यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट माय डियर फ्रेंड्स, वी नो सम पर्सनल ट्रेनर्स हु वर टेकिंग 5 लाख रुपीस फॉर 1 क्वार्टर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इफ यू आर हियरिंग मी, यस, वो 5 लाख रुपए लेते हैं 1 क्वार्टर की पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। हम ऐसे ट्रेनर्स को भी जानते हैं, हम ऐसे ट्रेनर्स को भी जानते हैं जो 50,000 रुपए लेते हैं 3 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, हम ऐसे ट्रेनर्स को भी जानते हैं जो 20,000 रुपए महीना लेते हैं, हम ऐसे ट्रेनर्स को भी जानते हैं जो 8,000 रुपए महीना लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज कितनी है, आपके क्लाइंट्स कितने हैं, वो आपकी इनकम डिसाइड करती है, ना कि आपकी सर्टिफिकेशन लेवल्स। सर्टिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट टू सर्व द कस्टमर इन अ राइट मैनर, हाउएवर आपके क्लाइंट्स और आपकी ओवरऑल मार्केट रीच डिपेंड करती है कि आप इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा कमाते हैं और किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाते हैं। मेकिंग सेंस नीरज? बिल्कुल यस। सर अगला प्रश्न है कि ACSM और गोल्ड, इन सभी कोर्सेज की वैलिडिटी क्या रहेगी करने की? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए सर्टिफिकेशंस को दो तरीके से देखिए, सबसे पहले सर्टिफिकेशन को देखिए नॉलेज के तौर पर, सर्टिफिकेशन को कभी भी एक सर्टिफिकेट के तरीके से मत देखिए। अगर आप सर्टिफिकेशंस को नॉलेज की तरफ से देखेंगे तो ACSM ऐसे कोर्सेज है जो कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं। हाउएवर जो प्रश्न है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, एस के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 2 साल, 2 साल के बाद आपको एस का सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है। ACSM की जो वैलिडिटी है वो है 3 साल, 3 साल के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है। एक सिस्टम है पूरा, इनकी वेबसाइट पे जाइए, वो सिस्टम समझिए, बहुत डायनामिक सिस्टम है इनका। अगर आप बीच में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो आपको उस टाइम पर वो रिन्यूअल की ज़रूरत भी
नहीं पड़ती। और जो बात रही गोल्ड सर्टिफिकेशन या K11 सर्टिफिकेशन या बेनिफिट सर्टिफिकेशंस की, देयर सर्टिफिकेट्स कम्स विद अ लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो उस केस के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती, उसकी वैलिडिटी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, नीरज आप भी समझिए, जब भी हम एक सर्टिफिकेशन करते हैं, हम सर्टिफिकेशन, आजकल के लड़के बहुत आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है, हमें सर्टिफिकेट दिला दीजिए, सर्टिफिकेट जाके इस जिम में दिखा देंगे, इस जिम में जाके जब हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो हमको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे गाइस, डू सर्टिफिकेशन फॉर योर नॉलेज, फॉर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, डू नॉट डू सर्टिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट ओनली, कि एक सर्टिफिकेट आ जाएगा दिखा देंगे और नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्लाइंट भी मिल जाएगा, क्लाइंट टिकेगा नहीं जब तक उसको रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत सिंपल बात है, राइट? सो वैलिडेशन, वैलिडिटी मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखती। हाउएवर आपका प्रश्न था तो मैंने जवाब दिया, एस 2 साल, एसी 30 साल, गोल्ड K11 और जितनी भी इंडियन सर्टिफिकेशंस हैं इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी। हाँ सर, अगला प्रश्न है हमारा, क्या ये सभी कोर्सेज इंडिया के बाहर भी वैलिड है? यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी हमारे सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो छोटा सर्टिफिकेशन है या बड़ा सर्टिफिकेशन है, वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है कि नहीं। सो गाइज, इंडिविजुअल कोर्सेज है, ACSM के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, मेडिफिट के बारे में मैं बता सकता हूँ कि ये एक ऐसे कोर्सेज है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, लोग एक्सेप्ट करते हैं इनको। हाउएवर यू नीड टू चेक द इंडिविजुअलिटी ऑफ K11 एंड गोल्ड ऑन देयर वेबसाइट एंड व्हाट दे क्लेम, कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल चलता है कि नहीं चलता। गोल्ड मेरे हिसाब से इंटरनेशनल 100% चलना चाहिए, K11 यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक। सर अगला प्रश्न है, ACSM, गोल्ड और K11, इन सभी कोर्सेज में कौन सा कोर्स करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा? नहीं, ये प्रश्न देखिए, आप बहुत सारा प्रश्न आता है कि विच कोर्स इज द बेस्ट। हैंस हमने ये क्वेश्चन पिक किया स्पेशली कि 4-5 हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि बेस्ट रहेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। सब कोर्सेज बेस्ट हैं, सब कोर्सेज अच्छे हैं। आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यू वॉन्ट अ इंटरनेशनल कोर्स और यू वॉन्ट अ डोमेस्टिक कोर्स, दैट इज वन। ओके, सेकेंड, जब आप कोर्स करते हैं आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस कोर्स के अंदर। कुछ कोर्सेज की फीस 86,000 है, कुछ कोर्सेज की फीस 1,00,000 रुपीज है, कुछ कोर्सेज की फीस सिर्फ 25,000 है। ये देखिए कि कौन सा कोर्स आपको सबसे ज़्यादा सिखा रहा है, तो ये कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस, देखिए कि कौन सा कोर्स आपकी जेब के अंदर आता है एज ऑफ नाउ। आप जब लेटर में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और कोर्सेज भी करेंगे, नो डाउट। एंड द सेकंड थिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू सी हियर इज कि कोई भी कोर्स करने से पहले, दोस्तों मैंने गलती करी है, मैं आपको एडमिट करता हूँ, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर, आई हैविंग 11 सर्टिफिकेशंस विद मी, 11 सर्टिफिकेशंस है मेरी, मैं सारी सर्टिफिकेशंस लिख बता दूंगा। आई हैव डन 11 सर्टिफिकेशंस इन लास्ट फ्यू इयर्स। ये गलती मैंने बहुत बार करी है और अब ये मैं गलती नहीं करता कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द कोर्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जब मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ मैं इस कोर्स से क्या सीख के बाहर निकलूंगा, आई हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कोर्स का नाम बहुत बड़ा था। आप समझ रहे हैं? सो व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन हियर इज कि आपको ये देखना है कि आप थोड़े से जागो, ग्राहक जागो वाली बात है, थोड़े से जागिए, एस का कोर्स उठाइए, ACSM उठाइए, K11 उठाइए, गोल्ड उठाइए, सारे कोर्सेज उठाइए और कंपेयर कीजिए खुद अपने लिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या चाहिए और कौन सा कोर्स आपको वो प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जस्ट गो एट एंड डू इट, एवरी कोर्स इज बेस्ट, नॉलेज इज नॉलेज, नॉलेज इज गॉड। अगर नॉलेज है तो भगवान है, भगवान आपसे खुद मिलने आ रहे हैं किताबों के जरिए, तो उठाइए किताब और जाइए मिलिए भगवान से, लेकिन देखिए कि कौन सा भगवान आपको किस तरीके से, किस प्रकार से सूट करता है। सर अगला क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आया, कुछ हमारे दोस्त हमसे पूछना जानना चाहते हैं कि जो हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं ये वो कहाँ से ले सकते हैं, उनके बारे में उनको कैसे पता चले कि कहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। लॉट ऑफ मैसेजेस, दो मैसेजेस हैं, ये भी मैंने खुद भी ये कमेंट्स पढ़े हैं। जो सबसे पहला मैसेज है वो ये आता है कि मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, नहीं देखा तो दोबारा से अर्ज करता हूँ जाइए पुराना वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एक एक दिन की वर्कशॉप्स भी होती हैं, वो एक एक दिन की वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हैं। वो एक एक दिन की वर्कशॉप्स आर लाइक स्मॉल कैप्सूल्स विच गिव्स यू इमेंस नॉलेज।
अब प्रश्न यह है और बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न था कि ये जो एक दिन की वर्कशॉप्स होती है इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। तो गाइस आप मेरा जो पेज है आई एम 100% आप फॉलो करते होंगे, मेरे पेज का नाम है फेसबुक पे मसल मास्टर्स बाय सचिन कोहली एंड इंस्टाग्राम पे भी मसल मास्टर्स बाय सचिन कोहली, सो यू कैन फॉलो दैट पेज। उस पेज के अंदर हम बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट करते हैं वर्कशॉप्स के ऊपर, जो कि वर्कशॉप्स होती हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, लेट इट बी यू नो यू ब्रेकिंग द मिथ ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था लखनऊ के अंदर, वो था कि किस तरीके से हमने एक मिथ ब्रेक की थी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करना, आज के टाइम पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड बहुत है, हमने एक मिथ ब्रेक की थी वहाँ पे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बिना भी बॉडी बन सकती है, दैट इज वन। सेकेंड न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोगों ने वर्कशॉप किया, एक और वर्कशॉप होने जा रहा है अभी मेरठ में न्यूट्रिशन के ऊपर, और एक और वर्कशॉप होने वाला है ब्रेकिंग द मिथ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर फैजाबाद में होने जा रहा है। दिल्ली में हमारी कुछ फेलो एकेडमीज हैं जो कि दिल्ली के अंदर इसको बहुत अग्रेसिवली रन करती हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, मैं उनका नाम भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो इफ यू गो टू माई पेज मसल मास्टर्स बाय सचिन कोहली यू विल गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्कशॉप एंड द कोर्सेज विच आर एक्चुअली हैपनिंग इन योर ओन सिटी इन योर ओन सराउंडिंग्स। जो हमारी कंपनी है मसल मास्टर्स ये वर्कशॉप्स अरेंज कर रही हैं और पूरी इंडिया टच बेस करेंगे हम बहुत जल्दी कलकत्ता आएंगे, हम बहुत जल्दी कोचीन आएंगे, हम बहुत जल्दी यूपी तो हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर ही रहे हैं, हम बहुत जल्दी इसको दिल्ली के अंदर भी शुरू करेंगे। और दिल्ली के अंदर हम भी शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया मेरे फेलो कुलीग है, मेरे बहुत रिस्पेक्टेड है, वो दिल्ली में ऑलरेडी करते हैं, और हम बहुत जल्दी पंजाब भी जाएंगे। सो वर्कशॉप्स आर देयर, हाउएवर यू नीड टू गेट इन टच विद माई पेज दैट इज मसल मास्टर्स बाय सचिन कोहली, लाइक कीजिए उसको और यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वर्कशॉप्स, ये वर्कशॉप्स कहाँ हो रही है और वर्कशॉप्स किस किस प्रकार की कैसे कैसे होती है, एंड दिस वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अटेंड कीजिए, इनको अटेंड करेंगे वर्कशॉप्स को तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल स्मॉल कैप्सूल्स। कभी कभी ये पूरी पूरी किताब हम एक एक दिन के अंदर इन वर्कशॉप्स के अंदर उतार देते हैं। सर आखिरी प्रश्न है, ACSM कहाँ से कर सकते हैं हम? ओके, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगेन कि ACSM का जो कोर्स है वो कहाँ से किया जा सकता है और ACSM का कोर्स किस प्रकार से होता है। देखिए ACE और ACSM एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनका दिल्ली के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्ड या दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है। जिस तरीके से हम K11 की बात करते हैं या हम गोल्ड की बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम ट्रेनिंग है, इनकी स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल रूम ट्रेनिंग है, एंड देन दे गिव यू देयर इन हाउस एग्जामिनेशन एंड दे कैन यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट दिस ACSM एंड स्पेशली ACSM आई एम टॉकिंग अबाउट, ACSM के अंदर क्या होता है, ACSM के अंदर वी हैव एजुकेशन प्रोवाइडर्स हेयर इन दिल्ली and these education providers gives you the education, they make you prepare for the examination, और जब वो आपको examination के लिए prepare करते हैं उसके बाद आप $400 pay करते हैं ACE की website पे जाके examination के लिए, फिर आप ACE का examination लेते हैं और ACSM के लिए शायद $350 है या $300 है, अब वो pay करते हैं और उसका examination लेते हैं। hence ACE और ACSM कहाँ से करें, you have to search for a education provider who is a competent education provider who can give you the best of the best education of American Council of Exercise and American Council of Sports Medicine. For that also I request you कि आप मेरा पेज लाइक कीजिए, by the name of Muscle Masters by Sachin Kohli, we keep on uploading it कि कहाँ कहाँ पे ये courses हो रहे हैं, so that you can go and you can do that courses as well. चलिए guys, thank you so much. Hope you have liked the answers given by me on trainer certification. Any other question you have? यू हैव कम्प्लीट राइट, आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पे, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, एंड यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट इफ यू वॉन्ट टू हियर एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम मी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई केम अप विद अ वीडियो वेरी 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 लेट, हाउएवर आई विल नॉट डू इट, आई विल कम अप विद द वीडियोज वेरी क्विकली, एंड अगेन बिफोर लीविंग एंड बिफोर साइनिंग ऑफ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।